हेलो एवरी वन असलाकम आई होप यू ऑल आर फाइन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो अभी हमारे पास हो रहे थे शाम की ऑलमोस्ट फाइव थर्टी सो मैंने अभी अभी मगरब की नमाज़ पढ़ी एंड आई थाट कि मैं बाहर आ जाऊँ थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी बातें करती हूँ सर लुक एट द स्काई इट्स ऑलमोस्ट क्लियर इट्स नॉट मच क्लाउडी अदरवाइज मेलबर्न इज़ ऑलवेज़ क्लाउडी ऑलवेज़ रेनी बट टूडे द वर इज़ नाई नॉट टू मच कोल्ड सो so, uh, मेरे घर के सामने ये कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आई विल शो यू गाइज हाउ डू दे कंस्ट्रक्ट हाउसेस ये देखें बिल्कुल ऐसे फ्रेम्स बनाते हैं और फ्रेम्स के ऊपर फिर ऐसे जब घर बन जाते हैं टाउन हाउसेज़ होते हैं डबल स्टोरी हाउसेज़ हैं तो बिल्कुल ऐसे ही यू गाइज कैन सी दिस फ्रेम्स तो ऐसे ही फ्रेम्स बनाते हैं जो ड यूज सीमेंट और ब्रेक्स लाइक इन पाकिस्तान ये ऐसे वुड के फ्रेम्स बनाते हैं एंड द हाउसेज आर ऑलमोस्ट मेरा आई थिंक सो या और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इतने अच्छे तरीके से होती है यू गाइस कैन सी कि फेंस लगी हुई है हर जगह पर ये दिस इज़ नॉट ओनली फॉर दिस एरिया कहीं पर इवन रोड वर्क भी चल रहा होगा ना तो भी वहाँ पर पहले फ़ेंस लगेगी ताकि पब्लिक को उसकी वजह से कोई भी मसला ना हो फेंस लगती है और फिर घर बनते हैं या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है सो so, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है इन लोगों का सो दिस ट्री हाउस आर ऑलमोस्ट सिमिलर इनमें से एक मेरा घर है आई विल शो यू गायस दिस वन इज आई एम गोना अबेट। या दिस इज़ माई हाउस सो किसी मैं अंदर से भी आपको अपना घर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। एंड या लाइट्स ऑन हो चुकी हैं लाइट्स ऑटोमेटिक होती हैं खुद से ही ऑन हो जाती हैं जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग तो आगे जाते जाते ये देखें सारे के सारे यहाँ पर टाउन हाउसेस बने हुए हैं ये सब डबल स्टोरीज घर हैं यहाँ पर घर बहुत बड़े बड़े नहीं होते आपको आपने देखा भी होगा छोटा सा फ्रंट डोर है घर का यहाँ पर बड़े बड़े गेट्स नहीं होते घरों के जैसे पाकिस्तान में होते हैं तो ये देखें जी ये भी फ्रेम्स बने हुए हैं भी टाउन हाउसेज़ ही बन रहे हैं फ्रेम्स बने हुए हैं फिर ये बन जाएंगे पूरे सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं हर चीज़ सोलर पर मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए भी वो सोलर प्लेट्स लगा लेते हैं अभी जो हमारे पास रोड लाइट्स होती हैं ट्रैफिक स्ट्रीट लाइट्स हैं ये भी सब इनके ऊपर भी छोटे छोटे से सोलर प्लेट्स लगे होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं जैसे ही आ, अंधेरा होता है सो so, ये सामने क्या है जी दिस इज़ रोड टारट ये हमारे सबब का नाम है जिस एरिया में हम लोग रहते हैं सर so, ये आप लोग घर देख रहे होंगे सामने ये थोड़े बड़े घर होते हैं मतलब जो टाउन हाउसेज़ हैं वो छोटे होते हैं डबल स्टोरी है या छोटा होता है बट ये वाले घर जो हैं वो थोड़े बड़े होते हैं लेकिन इनके भी फ्रंट डोर्स आप लोग देखेंगे छोटे चोट छोटे हैं यहाँ पर वो बड़े बड़े गेट्स वाला सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में जो जितनी बड़ी जितना बड़ा बैंगलो है उतना बड़ा गेट होगा यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है छोटे चोट छोटे से घर होते हैं छोटे छोटे से गेट्स होते हैं और घर भी इतने बड़े नहीं होते अगर हम इस घर को भी अंदर से देखेंगे बड़ा है तो लेकिन ये नहीं है कि बहुत ही बड़ा घर होगा नॉर्मल होता है जिसको हम पाकिस्तान में एक नॉर्मल घर कह सकते हैं छोटा घर तो घास कितने मज़े की लगी हुई है और मजे की बात यह है कि यहाँ पर हर किसी ने अपने घर के सामने से घास को खुद ही काटना है हर काम खुद से करना है जिसके घर के सामने से घास बड़ी होगी खुद से काटोगे भाई हर काम खुद करना है और अच्छी चीज़ है एक प्लस पॉइंट है सो so, हर कोई अपना काम खुद से करता है यहाँ पर पाकिस्तान की तरह यहाँ पर सुस्ती बिल्कुल नहीं है सुबह सुबह दिन चढ़ जाता है सुबह सुबह हर कोई शुरू हो जाता है हमारे पास ऑलमोस्ट सिक्स ओ क्लाक इज़ द पीक आवर सिक्स एम पीक आवर है वहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा होती है बाइक क्यों क्योंकि उस टाइम सब लोग अपने अपने काम को निकल जाते हैं सो so, यहाँ पर जिंदगी बहुत तेज है दिस इज़ नॉट लाइक पाकिस्तान सो ये देखें ये किसी ने अपने घर के सामने टीवी रखा हुआ है बेकार हो गया होगा बाइर उठा कर रख दिया हम तो कभी भी ऐसे नहीं करते पाकिस्तान में हम तो एंड तक उसको खड़का खड़का के कुछ ना कुछ करके उसको चला लेते हैं बट ये काफ़ी दिन से ही दोहर ही रखा हुआ है किसी के लिए बेकार हो गया उसने ऐसे बाय रखते हैं यहाँ पर लोग रख देते हैं फर्नीचर रख देते हैं जो उनको लगता है कि पुराना हो गया वो अपना फ़र्नीचर चेंज करते हैं और पुराना निकाल के बाय रख देते हैं फिर किसी को ज़रूरत होती है वो उठा कर ले जाते हैं नहीं जरूरत होती है तो पड़ा रहता है सो या योर लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान स्टिल वी लव पाकिस्तान वी वुड लव टू गो बैक टू पाकिस्तान एंड वी विल आफ्टर ऑल so guys this is all about today's video and so this is beautiful melbourne australia home, be and now my husband is about to come so guys i hope you liked my video if you liked my video please subscribe my channel like my videos and share with your friends thank you so so much Allah Hafiz.